हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ धैया साहब भी जुड़े हुए हैं। हाँ, ब्रिगेडियर धैया से ही ये जानकारी हम लेते हैं कि सर अभी आपने देखा कि चौधरी साहब ने जो बात कही कि हमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कटीले तारों से और डंडों से हम डिफेंड करें अपने फ्रंटियर्स को। ऐसा नहीं है कि पहले गोलियां नहीं चली है, चलाई गई हैं और मैसेज भी गया है, एक तो ये पक्ष है। दूसरा, आपको याद होगा जब 30 महीने पहले की बात पवन कह रहे थे, 30 महीने पहले जब गलवान हुआ था उसके एक डेढ़ महीने पहले पैगांगसो पर इसी तरह की एक झड़प, छोटी झड़प हुई थी और उसके बाद फिर गलवान हुआ था। तो क्या ये जो 9 तारीख का हमला है और ये पक्ष भी कि क्या ये 300 लोगों की पेट्रोल पार्टी होती है, और दूसरा ये कि ये जो 9 तारीख का हमला है कहीं किसी बड़ी कार्रवाई का संदेश तो नहीं है, कोई ऐसी सूचना तो नहीं है, ये अग्र सूचना की तरह तो नहीं है कि चीन कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? ये जो घटना घटी है इसको हमें पिछले जो 30 महीने पहले जो गलवान में और जो ईस्टर्न लद्दाख में जो कार्रवाई हुई थी उसके नजरिए से देखना है। उस गलवान के अंदर और ईस्टर्न लद्दाख के में पिछले सितंबर के महीने में गोगरा हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट भी हुआ है, तो इस समय चाइना का ईस्टर्न लद्दाख को छोड़कर ये अरुणाचल में नया फ्रंट खोलना, ये इस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी और इसका हर एंगल से विश्लेषण करना पड़ेगा। जहां तक ही स्ट्रेंथ की बात है, ये हमेशा से रहा है कि चाइना के जो पेट्रोल आते हैं वो हमेशा बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में आते हैं। पहले इनके जो अरुणाचल में जो सुबानसरी वैली में या आसाफिला के इलाके में भी पहले ऐसी हरकतें रही हैं, जहां तक कि कटीले तारों का इस्तेमाल करना और डंडों का इस्तेमाल करना, ये अच्छी बात है कि अभी तक फायरिंग शुरू नहीं हुई है, क्योंकि फायरिंग से फिर कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है और ये लोकल कमांडर्स का इसमें ये नजरिया है कि सिचुएशन शुड नॉट गो बियॉन्ड ए पॉइंट, अगर ज्यादा कैजुअलिटी होगी तो फिर इसका इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी बड़ा इशू बन सकता है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि भारत को ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। नहीं, दादागिरी का इलाज क्या हो सकता है? ये दादागिरी तो है, दादागिरी का इलाज भारत ने दिखाया था जब हमने कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन फिर उस कैलाश रेंज से हम पीछे हट गए। लेकिन ऐसा ही हमें या तो अपना फॉरवर्ड डिफेंसिव पोस्चर इंप्रूव करें, हमें भी कुछ इसके अंदर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये यूनिलैटरल एक्टिविटी ना रहे और हम हमेशा रिएक्शनरी मोड में ना रहें। हाँ बिल्कुल, देखिए ये यही बात सालती है कि हर बार हम डिफेंड करते हैं, तो क्या ऑफेंस इज नॉट अ डिफेंस? इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है क्या, क्योंकि हम आम लोग हैं, आप ज्यादा बेहतर इसे समझते हैं। और दूसरी, आप कह रहे थे कि डिप्लोमेट्स की भूमिका अहम हो सकती है। बिल्कुल, और मैं सोच रहा था कि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।